इस वीडियो में बात करेंगे सिंक मार्ग के बारे में कि कैसे हमारे कंपोनेंट में दिखाई देता है और किन कारणों से दिखाई देता है और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं हम सिंक मार्ग क्या होता है। सिंक मार्ग जैसे हमारा कोई कंपोनेंट है, इस प्रकार का ये हमारा कोई कंपोनेंट है, या ये हमारा कंपोनेंट है। सिंक मार्ग एक सरफेस डिप्रेशन होता है जो हमारे कंपोनेंट में दिखाई देता है। एक गड्ढा वो बन जाता है हमारे कंपोनेंट में। जैसे ये हमारा प्रॉपर डिजाइन है तो जो हमारा कुछ इस प्रकार का कुछ इस प्रकार का सेप हमारे कंपोनेंट का हो जाएगा। अगर हमारे कंपोनेंट में ये हमारा सिंक हो गया, सिंक मतलब दबना, दबना मतलब सरफेस डिप्रेशन होता है जो हमारे कंपोनेंट में किन्हीं कारणवश या मोल्डिंग कंडीशन ना प्रॉपर होने पर हमारे कंपोनेंट में गड्ढा बन जाता है, जिसे हम सिंक मार्ग कहते हैं। सिंक मार्ग हमारे जनरली मोटे वॉल थिकनेस जहाँ होते हैं वहाँ पर दिखाई देता है। जहाँ पे ज़्यादा मतलब मोटा वॉल थिकनेस होता है वहाँ पे दिखाई देता है। रिप्स बॉसेस जहाँ पे लगे होते हैं वहाँ पे दिखाई देता है हमारा सिंक मार्क। तो चलिए जानते हैं सिंक मार्क। सिंक मार्क इज ए सरफेस डिप्रेशन सरफेस डिप्रेशन मतलब या एक सरफेस डिप्रेशन हो जाए सतह ही घट्टा मतलब सतह पे हमारे कंपोनेंट के सतह पर एक गड्ढा बन जाता है जिसको हम सिंक मार्ग कहते हैं। अब जानते हैं इसके कांच किन कारणों से ये हमारे कंपोनेंट में दिखाई देता है। कांच अगर हमारा इंजेक्शन प्रेशर जो है अगर लो है तब लो इंजेक्शन प्रेशर लो इंजेक्शन प्रेशर अगर लो है तब भी यह सिंक मार्क आ जाता है। लो पाइकिंग प्रेशर लो पाइकिंग प्रेशर शॉर्ट होल्ड ऑन टाइम ऑन टाइम और कूलिंग टाइम और कूलिंग टाइम ये हमारे कारण है जो हमारे सिंक मार्क को आने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जैसे जिनके कारण से हमारे कंपोनेंट में सिंक मार्क दिखाई देता है। हाई मेल्ट टेम्परेचर मेल्ट टेम्परेचर और मोल्ड टेम्परेचर मोल्ड टेम्परेचर इन कारणों से हमारे कंपोनेंट में सिंक मार्क दिखाई देता है। अगर हम इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं इसके रेमेडीज हैं। अगर हम जैसे अगर जनरली हम देखा जाता है जो हमारा फॉल्ट होता है जिन कारणों से आता है अगर वो ज़्यादा है तो उसको हम कम कर देते हैं, अगर वो कम है तो उसको हम बढ़ा देते हैं। तो इसमें भी अगर हमारा इंजेक्शन प्रेशर लो है तो उसको हाई इंजेक्शन प्रेशर या इंक्रीज इंजेक्शन प्रेशर, लो पैकिंग प्रेशर है इंक्रीज पैकिंग प्रेशर, सॉल्ट होल्ड ऑन टाइम अगर हमारा सॉल्ट मतलब होल्ड ऑन टाइम जो है कम है या कूलिंग टाइम कम है तो उसको हम बढ़ा देंगे। हाई मेल्ट टेम्परेचर अगर हमारा मेल्ट टेम्परेचर ज़्यादा है मोल्ड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम उसको डिक्रीज कर देंगे, जो हमारा टेम्परेचर है उसको हम रिड्यूज कर देंगे, जिससे हमारे इस प्रॉब्लम में सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे जो चीज़ हमारा ज़्यादा होगा, जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पे हाई मेल टेम्परेचर और मोल टेम्परेचर, इस कारण से हमारे कंपोनेंट में सिंक मार्क दिखाई दे रहा है। तो हाई है तो
तो इसको हम या मेंटेन करेंगे, या अगर हमें पता है तो हम उस प्रॉपर टेम्परेचर पे ला करके सेट कर देंगे जिससे हमारा सिंक मार्क आना बंद हो जाएगा। और अगर हमें नहीं पता है तो हम रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करते जाएंगे, जिस पे हमारा गुड कंपोनेंट बनने लगेगा वहाँ पे उस टेम्परेचर को हम अपने मोल्डिंग कंडीशन को सेट कर देंगे, मोल्डिंग मतलब पीएलसी में सेट कर देंगे उस टेम्परेचर को, जिससे हमारे कंपोनेंट से जो फॉल्ट होगा वो दूर हो जाएगा। ये हमारा सिंक मार्क है। सिंक मार्क एक सरफेस डिप्रेशन होता है जो हमारे कंपोनेंट की सतह पर दिखाई देता है गड्ढे के रूप में। यही था सिंक मार्क।